पकड़ के दिखाओ मोगली। आसानी से पकड़ लूंगा डाजी। यहाँ के बंदर कहाँ गए? दिन भर तो वो यहाँ उधम मचाते रहते हैं। डाजी कहाँ हो तुम? काला हे, मोगली पे हमला मत करना। हमें बल्लू और बघीरा को बताना होगा कि काला वापस आ गया है। उसने सभी बंदरों को खा लिया क्या? अरे नहीं, उसके पेट से तो ऐसा कुछ नहीं लगा। सभी बंदर भाग गए होंगे। अरे नहीं, ये सब तो यहाँ है। तुम दोनों ने इन बंदरों को ऐसा करने कैसे दिया? हम सो रहे थे, उन्होंने तभी ये सब किया। अब जल्दी से हमें खोलो वरना। इतनी भी क्या जल्दी है इंसानी बच्चे, पहले रानी माशा से तो पूछ लो। हा? नहीं माशा, ऐसा मत करो। अच्छा, ताकि ये दोनों हमें यहाँ से भगा दें और वहाँ काला हमें कच्चा चबा जाए। हम उनसे निपटेंगे, मैं और बलू दोनों मिलकर उसे भगा सकते हैं। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं ताकि तुम हमें यहाँ से भगा दो? तुम मुझे जाने दो, मैं भी उसे भगा सकता हूँ। नहीं मोगली, तुम काला से नहीं भिड़ोगे, अकेले तो बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ सोचने दो, एक धांसू आइडिया। पर चालाकी नहीं, वरना तुम्हारे दोस्त को मक्खी से कटवा दूंगी। हाँ ठीक है, कोई चालाकी नहीं। इससे बात बनेगी। मोगली, हेलो। डाजी, कहीं काला सुन ना ले। वैसे तुम माशा से बच कर कैसे निकल आई? मारी, बहुत तेज है ये। इंसानी बच्चे, इस बार तू नहीं बच पाएगा। अच्छा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। लगा नहीं था इतनी जल्दी बात बन जाएगी। हमें भी भूख लगी है। अपना मुंह खोलो, रानी माशा खाने को देगी। हम बच गए मोगली, पर काला फिर से खंडहरों में चला गया। कोई बात नहीं, हम उसे बाहर निकाल लेंगे। ये क्या है? काला के लिए बड़ा सा सरप्राइज। मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। क्या हुआ काला, मुझसे डर गए क्या? तुम बहुत जल्दी में रहते हो काला, थोड़ा इंतजार करो। बलू और बघीरा को तो यहाँ आने दो, वो ही तुमसे निपटेंगे। काला को ऐसे जाल से निपटना आता है। अरे नहीं, इस काला को भगाना उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। पर नामुमकिन भी नहीं है, बस थोड़ी मदद की जरूरत है मोगली। बात तो सही है डाजी। तो हार के आ गए? हाँ, जानती थी उस काला के सामने बच्चे हो तुम। मैं बच्चा तो नहीं हूँ, पर मुझे बलू और बघीरा की मदद चाहिए। वो नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें खोलूंगी तो ये मुझे ही भगा देंगे। नहीं भगाएंगे, यकीन करो हमारा। हाँ। तो बोलो माशा, तुम मुझे बच्चा कहती हो, तुम्हारा क्या? तुम खुद को रानी कहती हो, पर उस काला ने तो तुम्हें तुम्हारे इलाके से निकाल दिया, अब बताओ। उसने मुझे नहीं निकाला,
तुम तो दम दबाकर वहाँ से भाग गई। अगर तुम असली रानी होती तो उससे जंग लड़ती। असली रानी अपनी जनता की रक्षा करती है और अपना इलाका हासिल करती है, तुम्हारी तरह दम दबाकर भाग नहीं जाती। मेरे साथ चलो। अब क्या करें? अब सबसे पहले इन्हें थोड़ी ट्रेनिंग देनी होगी। अब एक रानी होने का फर्ज निभाओ माशा, इन्हें जंग के मैदान में ले चलो। रानी के पीछे आओ, ठंडी गुफा के खंडरों में। घबराओ नहीं, मैं जीत कर ही लौटूंगा। अब और नहीं सहा जाता, यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। बहुत हुआ, हमें जाने दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सपनों में भी नहीं। तुम झूठे हो। तुम्हें मान गए दाजी, वाह क्या दिमाग पाया है। वो रहा काला, वहाँ देखो माशा हमारे इलाके में कैसे शान से घूम रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, ये इलाका रानी माशा का है। हमला करो। जाओ, छोड़ना नहीं। दुआ करो मोगली को कुछ ना हुआ हो। माशा, कुछ तो करो। माशा, तुम रानी नहीं, तुम एक डरपोक बंदरिया हो। मैं किसी से नहीं डरती। आज के बाद कभी मत देखना काला। चलो हमें हमारा इलाका मिल गया, अब तुम सब भी जा सकते हो। जैसे तुमने हम पर एहसान किया हो। तुम्हें शुक्रिया बोलूं? रानी माशा और उसकी प्रजा तुम्हारे लिए गाना और नाच दिखाएगी। नहीं नहीं, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं। हो अब तो देखना पड़ेगा।
क्या लड़ाई चल रही है? इस जंगल का पुराना राजा नहीं रहा, अब तुम्हारा नया राजा हूँ मैं। शेर खान नहीं रहा क्या मोगली? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता तो है टबाकी, देखो हिल भी नहीं रहा। ध्यान से मोगली। पीछे हटो मोगली। धत तेरे की, अगली बार छोड़ूंगा नहीं। मेरी मम्मी कहाँ है? मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये तो बड़ा बच्चा बन गया। आज के बाद तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं मोगली। होश में आओ शेर खान, ऐसी बातें मत करो, जाग जाओ। टबाकी ऐसी बातें मत करो, तुम्हें दिखाई नहीं देता वो होश में नहीं है। हाँ हाँ दिख रहा है मुझे, ये पंगू शेर खान। अब मेरे खाने का इंतजाम कौन करेगा? अब मेहनत करनी पड़ेगी। अरे रोना बंद करो शेर खान। मेरा पेट खुजाओ ना, प्लीज खुजाओ ना। हाँ? ये सब ठीक नहीं है मोगली। पता है, पर हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। इस जंगल में बच्चे सबका निशाना बनते हैं बलू। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं शेर खान की मदद करने के लिए? पक्का कह रहे हो? टाइम नहीं है, बाय। नहीं रुको ना, प्लीज दाजी, हमें इसे शिकार करना सिखाना होगा, वरना ये भूखा मर जाएगा। पर ये एक बाघ है और ये मुझ जैसी ननी सी जान को निगल जाते हैं। पकड़ लिया। वो तुम्हें नहीं खाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हंस हंस के पेट दर्द कर रहा है शेर शेर खान, बच्चा बन गया। बच्चा। कितना प्यारा है, पर शक्ल से तो बुढ़ा बाघ ही है। ठीक है मोगली, बताओ क्या करें? मुझे देखो शेर खान, पहले तुम्हें डाजी का पीछा करना होगा, इस तरह चुपके चुपके बिना आवाज किए, और जब उसके पास पहुंच जाओ तो उस पे पड़ो। ठीक है मैं करूंगा, मुझे करने दो ना। इसे कुछ समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये बच्चा कुछ सीखने के लिए ज्यादा ही बड़ा है। मेरा यकीन करो जकाला, वो किसी काम का नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ उसे किनारे करो और बन जाओ इस जंगल के राजा। हाँ बोलो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, उसे लालच देकर नदी के पास ले आऊंगा। आज के बाद हम दोनों पार्टनर बन सकते हैं। मुझे बदले में बस कुछ कतरे दे देना और मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। डील करे हा? बोलो। शेर खान को नदी के पास ले आओ। ओके मेरे नए पार्टनर। बेवकूफ कहेगा। रुको रुको रुको, गुदगुदी बंद करो। नटखट चिड़िया, क्या कर रही हो? शेर खान गया काम से, अब इसमें वो पुरानी वाली बात नहीं रही। ये तो अब तितली का शिकार भी नहीं कर पाएगा। माफ करना मोगली, अब हमें घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं,
मुझे इससे कुछ भी नहीं सीखना है मोगली, मुझे इससे डर लगता है। बलू हमारा दोस्त ही है शेर खान, ये तुम्हें हिम्मत से दूसरों का सामना करना सिखाएगा। कुची कुची कु। यकीन मानो तुम्हें मजा आएगा, ये बिल्कुल लुका छुपी खेलने जैसा ही है। ठीक है, पर ये बहुत डरावना है। यहाँ वो मुझे नहीं देख पाएगा। ओह, ये जाबाज बाघ आखिर कहाँ छुप गया? यहीं आसपास छुपा होगा। पकड़ लिया। रुको, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा था। ओ बलू, जिसका डर था तुमने वही किया। मैंने क्या किया है, वो कुछ ज्यादा ही डरपोक है। खामोश, हंसना बंद करो बघीरा, ये कोई मजाक की बात नहीं है। क्या करूं, वो मुझे। अगर उसका कोई शिकार कर लेगा तब भी तुम ऐसे ही हंसोगे। अब चलो भी, इससे पहले कि कुछ बुरा हो हमें उसे ढूंढना होगा। आखिर तुम कहाँ हो मम्मी? ओ बेचारे छोटू बच्चे, तुम कहीं खो गए हो क्या? दूर हो जाओ, तुम तो वही हो ना, मतलब ही कहीं के। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ शेर खान। तुम अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो ना, मुझे पता है वो कहाँ है। सच में? वो वही है जहाँ तुमने छोड़ा था शेर खान, वो नदी के पास बैठी है। मम्मी। अगर कोई शिकारी उसे पकड़ ले तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। मोगली की बात सही है, जब तक शेर खान इस हालत में है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बलू, बहिरा, मुझे वो दिख गया, टबाकी भी उसके साथ है, वो नदी की तरफ जा रहा है, जल्दी चलो। जरूर टबाकी की कोई चाल होगी, जल्दी चलो। तुम दोनों जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। रुक जाओ। ये तो मोगली है। अरे छोड़ो उसे, वहाँ तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मम्मी। बचाओ। देखो इसे मैं ले आया जकाला, मैंने अपना वादा निभाया ना। खबरदार जो आगे बढ़े जकाला। तुम सबके दिमाग में भूसा भरा है क्या? तुम्हें जो समझना है समझो। बचाओ मम्मी। इन सबको खा जाओ जकाला, बस मेरे लिए लेग पीसेस बचा देना ठीक है। चिपको कहेगा, आज तो तू नहीं बचेगा शेर खान। जकाला कुछ सोचो बलू, जल्दी से कुछ करो। शेर खान इस जकाला के बच्चे से आसानी से निपट लेगा, बस एक बार इसकी याददाश्त वापस आ जाए। एक मिनट, एक आइडिया है। अरे नहीं नहीं बघीरा, ऐसा सोचना भी मत। ये कोई बच्चा नहीं, ये हमारा जानी दुश्मन है। बात समझो मोगली, बस एक घूंसा मारूंगा, इस मोटी बुद्धि को पता भी नहीं चलेगा। होश में आ गया शेर खान। लगता है मेरा निशाना चूक गया। सबको टाटा बाय बाय कर दे शेर खान। उसे छोड़ना मत जकाला। ये हो क्या रहा है? माहौल पहले की तरह हो गया। कौन जकाला, तुम राजा बन सकते हो। हाँ।
क्या बकवास कर रहा था तू? नहीं कुछ नहीं शेर खान। तू उस चकाला के राजा बनने की बात कह रहा था ना? अरे कोई बचाओ! जब अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखा,